महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, कालेन धम्म सवनं ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा ये तं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म की चर्चा करना ये मंगल है। इसी तरह धम्म देशना सुनना हो, धम्म की चर्चा करना हो, इन चीजों के लिए बौद्ध धम्म परिषद एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, मौका है। तो इसी तरह नांदेड़ जिला के कांचन नगर एकदरा, यहाँ पर पहली बौद्ध धम्म परिषद होने जा रहे। पूजनीय भिक्षु संघ को आमंत्रित करते हुए सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक विभिन्न तरह का कार्यक्रम होने जा रहे हैं। चाहे बुद्ध वंदना परित्राण पाठ हो, चाहे पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना हो, चाहे पूजनीय भिक्षु संघ का स्वागत सत्कार हो, या चाहे पूजनीय भिक्षु संघ को संगदान देने का कार्यक्रम हो, इस तरह का विविध कार्यक्रम यहाँ होने वाले हैं। इस धम्म परिषद के लिए धम्म ध्वजारोहक के रूप में उपस्थित होने वाले है पूजनीय भिक्षु प्राचार्य डॉक्टर खेम धम्मो महाथेरो मुलावा। इस धम्म परिषद के उद्घाटक के रूप में उपस्थित होने वाले हैं औरंगाबाद भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु करुणानंद थेरो, और पूरे धम्म परिषद के अध्यक्ष के रूप में रहने वाले हैं पूजनीय भिक्षु डॉक्टर इंद्रवंश महाथेरो। इसी तरह धम्म देशना के लिए पूजनीय भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है। उसी तरह विशेष रूप से धम्म देशना देने के लिए विपस्सनाचार्य पूजनीय भिक्षु पन्यारत्न थेरो, पूजनीय भिक्षु ज्ञान रक्षित थेरो, नांदेड़ जिला भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूजनीय भिक्षु पन्याबोधी थेरो और पूजनीय भिक्षु संघ धम्म देशना के लिए इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। बौद्ध धम्म परिषद ये कब होने वाला है? यही फरवरी के 17 तारीख 2022 में। और ये बौद्ध धम्म परिषद में आप सभी को आमंत्रण करते हैं। ये आमंत्रण करने वाले जो धम्म परिषद के आयोजक है उपासिका अनीता अर्जुन राव हिंगोले और संपूर्ण परिवार। तो इस कार्यक्रम में आप सभी को आना है। हाँ, एक बात, अगर आप लोग दूर गांव में रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो आप लोग वहाँ आए बिना भी ये बौद्ध धम्म परिषद में सहभागी हो सकते हैं। पूछो कैसे? यही चैनल बुद्धास टीचिंग द्वारा हम सुबह से शाम तक जितने भी कार्यक्रम होंगे सबका प्रत्यक्ष प्रसारण लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं। तो आप लोग अपने ही घर में जो बड़े टीवी में लगा के संपूर्ण परिवार एक साथ ये धम्म परिषद में सहभागी हो सकते हैं, या जहाँ भी आप लोग चल रहे जा रहे हैं वहाँ वहाँ अपने छोटे से मोबाइल में देख के भी ये धम्म परिषद में सहभागी हो सकते हैं। आइए हम खुद भी धम्म कार्य में सहभागी बने, अपनों को भी धम्म कार्य में सहभागी बनाए, खुद भी पुण्य करे, दूसरों को भी पुण्य कराए, खुद भी सुखी रहे, दूसरों को भी सुखी कराए। आओ हम सब मिलके तथागत बुद्ध के हित कल्याणकारी बुद्धवाणी को घर घर पहुँचाए, घर घर पहुँचाए। पहली बौद्ध धम्म परिषद में निश्चित रूप से सहभागी बने।
सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि। तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।